तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल दीपक यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं दीपक आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर एक न्यूज वायरल हो रही है सोनाली बिंद्रे को लेकर। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सोनाली बिंद्रे की मौत हो गई है, लेकिन ये न्यूज में कितनी सच्चाई है हम इस वीडियो में आपको कम्प्लीट बताएंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस सब्सक्राइब आइकन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और इस बेल आइकन को भी ज़रूर आप दबा देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सोनाली बिंद्रे को लेकर उनकी मौत की खबर यहाँ पर वायरल हो रही है, तो ये मैं बता दूँ कि ये सरासर झूठी खबर है। लेकिन ये जब न्यूज़ क्यों वायरल हुई, जब न्यूज़ ये एक बीजेपी विधायक थे रामकरण, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से उन्होंने एक पोस्ट किया और वहाँ पर बताया इनकी आत्मा की श्रद्धांजलि वहाँ पर दी गई। तो उस वेरीफाइड ट्विटर हैंडल का स्क्रीनशॉट भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, तो चलिए मैं उसको पहले बता ही देता हूँ। तो यहाँ पर बीजेपी के विधायक थे जिन्होंने श्रद्धांजलि देते अब पोस्ट उन्होंने हटा दिया है। तो उनका नाम था महाराष्ट्र के, वो भाजपा के विधायक हैं राम कदम नाम है उनका, रामकरण पार्टी के मुसीबत खड़ी हो गई है। और यहाँ पर उन्होंने ये पोस्ट है स्क्रीनशॉट, उन्होंने अपने मराठी भाषा में यहाँ पर पोस्ट किया था, उनकी आत्मा की श्रद्धांजलि दी थी। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं अगर आपको ये लैंग्वेज समझ में आती हो, और नहीं आती है तो आप हिंदी में भी यहाँ पर बता दे रहे हैं कि कुछ दिन पहले ही राम कदम ने अपने विधायक विवादित बयान दिया था पहले भी, और वो एक बार फिर से विवादित बयान में फंस गए। और इसके पहले भी उन्होंने एक विवादित बयान दिया था, बीते दिनों में लड़की का अपहरण करने वाले बयान को लेकर लोगों के निशाने बने हुए थे विधायक। तो यहाँ पर राम कदम पहले भी बयान देते हुए रहे हैं विवादित बयान, और यहाँ पर उन्होंने फिर से बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बिंद्रे को लेकर एक ट्वीट किया जिन्होंने उन्हें सोनाली बिंद्रे को मृत घोषित कर दी और श्रद्धांजलि दे दी। सोनाली बिंद्रे न्यूयॉर्क में कैंसर का इलाज करवा रही है। तो यहाँ पर एक रेस्पेक्टेड MLA बीजेपी के वो ट्वीट करते हैं अपने वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से, उसके बाद ये न्यूज़ बहुत बुरी तरह से वायरल हो रही है। अब बात यह है कि ये न्यूज़ वायरल क्यों हुई, हालांकि उनके हस्बैंड ने इस बात की पुष्टि कर दी और ये फेक न्यूज़ उनके हस्बैंड ने बता दिया। अब मैं आपको बता दूं कि ये न्यूज़ वायरल क्यों होती है, ऐसी न्यूज़ तो ऐसी न्यूज़ वायरल होने के पीछे जो वेबसाइट या फिर जो न्यूज का ऑनर होता है उसको डायरेक्ट इनकम होती है, क्योंकि उसके ऊपर विजिटर बहुत आते हैं उस वेबसाइट पे या न्यूज़ पे, और विजिटर आने के कारण वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उससे कुछ अर्निंग कर लेता है। तो इस प्रकार के ये न्यूज़ फैलाए जाते हैं हमें ऑनलाइन सोशल मीडिया पर। और ऐसे ही नहीं, बहुत सारे वीडियो भी आप देख सकते हैं जो फेक होता है, दिखने में कुछ और अंदर कुछ और होता है, वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमसे पैसा लेते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। वीडियो कैसी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।